बारिश का कहर। कन्हैया नगर निवासी प्रताप श्री पत्नी फोदल सिंह निवासी कन्हैया नगर परमेश्वर गेट रात हुई बारिश में मकान की दीवारें हुई ध्वस्त। सो रहे परिवार के लोग भागे जान बचाकर। रामकेश ने बताया कि घर के पास एक प्लाट है जिसकी नींव कई दिनों से खोद दी गई थी, बारिश में पानी भर जाने से हुआ है हादसा। मौके पर नगर विधायक मनीष असीजा और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे और किया निरीक्षण। रामकेश जी, मकान गिरा कैसे है? ये बारिश की वजह से गिर गया है और ये बगल में जमीन जैसे प्लॉट बनवा रहे हैं ना, उन्होंने नींव खोद दी है, सारी नींव खोद दी है और 4-5 दिन से खोद रखी है। पानी भी भरा हुआ है आसपास? पानी ऐसे भर गया है कि मतलब बारिश हुई है, पानी तो भर ही जाएगा। कितने बजे की घटना है ये? रात 2:30 बजे की घटना है। ये क्या क्या चीज़ें टूटी हुई है, क्या क्या गिरा है? सभी मकान पूरा ही गिर गया मेरा तो पूरा। हाँ, लगभग कितने का नुकसान होगा? लगभग होगा 3-4 लाख का तो ही है। कौन सी जगह है ये? परमेश्वर गेट कन्हैया नगर। लगातार स्थानीय पार्षद जनता ये शिकायत कर रही है कि यहाँ पर न तो कोई विकास हुआ, न ही यहाँ पर जल निकासी की कोई व्यवस्था है, न यहाँ एंटी लार्वा दवा का छिड़काव हुआ, न यहाँ फॉगिंग हुई। एक तरफ पूरे जनपद में वायरल फीवर का कहर है और लगातार नगर आयुक्त महोदया या मेयर साहिबा DM साहब लगातार ये कह रहे हैं साहब हम धरातल पर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो कैसा काम हो रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा साहब। देखिए दोनों बातें, काम हो भी रहा है और काम नहीं भी हो पाया है या नहीं हो पाया है उसकी तरफ जो आपने इंगित किया है या मैं भी यहाँ पहुँचा हुआ हूँ तो इसको अब कवर कराएंगे। अब यहाँ पर मैंने अभी नगर आयुक्त मैडम को बता दिया है कि यहाँ पर जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा, यहाँ पर प्लॉटों में तमाम गंदगी है, पानी भरा हुआ है। तो चूँकि अभी डेवलप हो रहा एरिया जी, बहुत सारे प्लॉट खाली है जी, लेकिन कम से कम खाली प्लॉट होना, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मकान भी बने हुए हैं जी। तो एक तो यह है कि यहाँ पर कूड़े की रोजाना उठाने की सुव्यवस्था हो, मैं भी ये बात भी कहने वाला हूँ। दूसरा, जिनका ये मकान गिरा है उनका शुभ नाम है राम बरन जी, उनको अभी मैंने तहसील में खबर कर दी है और वहाँ से भी उनका निरीक्षण हो गया है। तो राष्ट्रीय आपदा के तहत इनको एक मदद तो मिलेगी जी, लेकिन वो मदद उतनी भी नहीं है कि उनका नुकसान तो बहुत हुआ जी। और दूसरी बात यह है कि फिर भी भगवान की कृपा से उनके परिवार में कोई चोट वोट किसी को नहीं आई है। तो इसके अलावा देखिए, इस वक्त जो है परिस्थितियाँ इस प्रकार की हैं कि नगर निगम प्रशासन को मैं लगातार इस बात के लिए इंगित कर रहा हूँ कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर काम की सर्वाधिक आवश्यकता है।